हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ मैं वेल्डिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो वेल्डिंग करने के दौरान हम बहुत कुछ एक्टिविटियाँ करते हैं, जैसा कि फाइलिंग, ग्राइंडिंग हो, हीटिंग हो, क्लीनिंग हो। तो इसमें से आज जब बात आती है वेल्डिंग की, तो हम आज प्री हीट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। तो प्री हीट क्या है कि ये जो प्री हीट, जब हम हेवी थिकनेस का जॉब करते हैं, हेवी थिकनेस नॉर्मली 25 mm से ज़्यादा जो थिकनेस को वेल्डिंग करने हम जाते हैं, तब वहाँ हम प्रीहीटिंग रिक्वायर्ड है। तो ये हम कहाँ जानेंगे कि कहाँ प्रीहीटिंग रिक्वायर्ड है? तो जब हम ऑयल एंड गैस रिलेटेड जॉब को वेल्डिंग करते हैं, तब हमें रेफरेंस कोड जो ऑफशोर रिलेटेड है, AWS D 1.1, AWS मीन्स अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, इन्होंने ये जो कोड बनाया हुआ है, तो वो कोड में उन्होंने मेंशन किया है, टेबल 3.3 में मेंशन किया D 1.1, AWS D 1.1, ये जो कोड है, ये कोड में जब हम 25 mm के ऊपर जो भी जॉब करने जाएंगे, वेल्डिंग करने जाएंगे, तो वहाँ उसको प्री हीट करना कंपलसरी है। तो ये प्री हीट कौन से बेसिस पे करना ज़रूरी है, ये हम अभी जानेंगे। यहाँ पांच पॉइंट्स है, तो पांच पॉइंट पे हम थोड़ा विश्लेषण में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। पहला, स्पेसिमेन, थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, जो जॉब हम करने जा रहे हैं, जो प्लेट या पाइप को हम वेल्डिंग मारने जाने वाले हैं, तो उसका थिकनेस कितना है वो कंसिडर करना है, और वो हिसाब से हमें प्री हीट करना है। दूसरा एलिमेंट्स है उसका सराउंडिंग, जो भी जॉइंट्स वहाँ बना है, जहाँ वेल्डिंग मारने जाने वाले हैं, तो उसका सराउंडिंग कैसा माहौल है, वो जॉब शॉप में है, वर्कशॉप में है, कि वर्कशॉप के बाहर ओपन फील्ड में है। तो ओपन फील्ड में कहाँ है, समंदर के नज़दीक है या दूर है, वो भी कंसिडर करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो CS मटेरियल है, ये CS मटेरियल आयन और कार्बन से बना रहता है, मॉलिक्यूल से बना रहता है। तो नॉर्मली ये जो मेटल्स है, वो बाहर का वो एटमोस्फेरिक मॉइस्चर है। सपोज़ ये जो जॉब जो हम करने जा रहे हैं, वो वेल्डिंग समंदर के आसपास एरिया में है, तो नॉर्मली क्या होता है कि समंदर के आसपास इवेपोरेशंस होता है, पानी का इवेपोरेशंस होता है, नमी बन जाती है। तो ये मॉइस्चर जो बेस मेटल, वो नमी को खींच लेता है, यानी उस बेस मेटल के अंदर हाइड्रोजन कंटेंट हो जाता है, समा जाता है। तो वो हाइड्रोजन को हमने प्री हीट करके उसको निकालना ज़रूरी है। ओके, तीसरा है कंपोजिशंस, ये जो CS मटेरियल में जो बनता है, वो कौन कौन से घटकों से बना हुआ है, वो भी कंसीडर करना ज़रूरी है। फोर्थ है लो इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन्स, जब हम हैवी थिकनेस जॉब को वेल्डिंग करने जाएंगे, तब हमें लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और फिर फिफ्थ है, पांचवी जगह पे है स्ट्रक्चरल इंस्टॉलमेंट, जो हम स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, वो स्ट्रक्चर्स वेल्डिंग होने के बाद कहाँ जाने वाला है, वो समंदर में जाने वाला है या कहाँ, मीन्स वो सब चीज़ों का ख्याल रख के वो हिसाब से प्रीहीटिंग का स्टैंडर्ड यूटिलाइज प्रीहीटिंग कंसिडर किया जाता है, कि या इस ये जॉब को जॉइंट्स को कितना प्रीहीट देना है। ओके दोस्तों, तो अभी हम जानेंगे कि नेसेसिटी यानी ज़रूरत क्यों है प्रीहीट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्लो कूलिंग रेट, यानी जब हम जॉब को अच्छे तरीके से प्रीहीट करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स की वजह से मॉलिक्यूल्स जब हम गर्म करेंगे, तो जो गर्म मॉलिक्यूल्स है, वो गर्म मॉलिक्यूल अपनी हीट अपने पास वाले को पास ऑन करता है, जो ठंडा मॉलिक्यूल्स है वो गर्मी खींच लेता है। तो ये मॉलिक्यूल्स बाद में प्रीहीट करेंगे तो जॉब स्लो कूलिंग हो जाएगा, तो उसकी वजह से सपोज़ ये जल्दी कूल हो जाएगा, तो मेटन साइट नाम का दोष बन जाता है। इसमें क्या होता है कि वेल्ड मेटल ब्रिटल हो जाता है, वेल्ड मेटल और HAZ ब्रिटल हो जाता है, जिसको हम तिसुल बोलते हैं, वो ब्रिटल हो जाता है, यानी जल्द से फटने का चांसेस रहता है या टूटने का चांसेस होता है। तो ये ना हो जाए, इसके लिए प्रीहीट करना ज़रूरी है।
दूसरी बात है HIC यानी हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैक। जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम समंदर के आसपास जो नमी बन जाती है तो बेस मेटल मेटल अपने अंदर वो हाइड्रोजन खींच लेता है, और जब हम कभी कभी वेल्डिंग करने से पहले उसको प्री हीट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि मेटल्स में से पानी फैल रहा है। जैसा हीट बेस मेटल को देते हैं तो पानी निकल रहा है, तो वो कुछ नहीं, फिर भी वो हाइड्रोजन उसमें जो समाया गया हुआ है वो प्री हीट की वजह से वो वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। और सपोज़ हमें उसे बिना प्री हीट किया तो क्या हो जाएगी कि वही जो हाइड्रोजन है, जैसा वेल्ड मेटल ठंडा वेल्डिंग होने के बाद जॉइंट ठंडा हो जाएगा तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो बाहर आने के लिए वो क्या करेगा कि वेल्डिंग बिट्स वो HZZ से वो क्रैक बाहर निकलेगा और वो जगह फट क्रैक की फॉर्मेशन से वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैक न बने इसके लिए हम उसको प्री हीट करना ज़रूरी है। ओके, तीसरा बंस इम्प्यूरिटी यानी बेस मेटल के ऊपर कभी कभी पेंट या रस्ट, ये इम्प्यूरिटी है, वो इम्प्यूरिटी को बंद करना भी ज़रूरी है ताकि ये वेल्ड में समा के कुछ न्यू डिफेक्ट ना बने। बाद में आता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम कौन सी भी चीज़ गर्म करते तो फैल जाती है मेटल, और ठंडी हो गई तो सिकुड़ जाती है। तो ये एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का भी ध्यान रखने के लिए हम प्री हीट करते हैं। पांचवी बात आती है कि इट इम्प्रूव्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। जो बेस मेटल का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है वो बरकरार रखने के लिए उसे हम प्री हीट देते हैं, जॉब को प्री हीट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी प्री हीट करने कैसे करते हैं कि वहाँ एक टॉर्च दिया जाता है, बर्सन का टॉर्च लगाया, सिलेंडर लगाया जाता है, उससे वो गैस से टॉर्च को जला के प्री हीट किया जाता है। जब हम जॉब को प्री हीट करते हैं तो प्री हीट करने के लिए सपोज़ ये हमारा जॉब है तो ये जॉब से 75 mm यहाँ, 75 mm यहाँ, यानी टोटल 150 mm का जो जॉब है मिथ लेंथ है, वो लेंथ को हमको प्री हीट करना है। तो वो प्री हीट होने के बाद वेल्डर के पास एक टेम्पर स्टिक्स करके आता है, तो वो बेस मेटल पे यहाँ लगा के चेक करना है। यहाँ सपोज पिक पिघल जाएगा तो समझने का ये हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो भी है 100 हो, 150 हो, 200 हो, जो भी हम प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है वेल्ड प्रोसीजर में, तो चेक करके वो चेक करना है, कंसिडर करना है कि हमारा बेस मेटल में हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है क्या नहीं। और जो और वेल्डिंग इंस्पेक्टर क्या करते हैं कि उनके पास एक टेम्परेचर आयर गन रहता है, वो टेम्परेचर आयर गन से चेक करते हैं वो लोग, तो उनको पता चलता है कि वो जो वेल्डर्स ने प्री हीट किया या नहीं है। ओके दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि इसका आपको वीडियोज़ का आपका ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, और आपको जो ये वीडियो लाइक हो चुका है तो नीचे के लिंक पे नीचे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जब भी मेरा कोई वेल्डिंग रिलेटेड नया वीडियो अपलोड हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा।